नमस्कार आमरी ओडिसा को स्वागत करुछि मुजोगमय संपूर्ण खबर को आसेबा बाजिला कॉलेज निर्वाचन बिगुल अक्टूबर 11 रे हेबो कॉलेज निर्वाचन एने विधिवध विज्ञप्ति प्रकाश करिछि उच्च शिक्षा विभाग अक्टूबर 1 रे कॉलेज स्तर रे प्रकाश पाइबो विज्ञप्ति 3 तारिख रे नामांकन दाखल एवं 4 तारिख रे नामांकन जांच उ चूड़ांत प्रार्थी तालिका प्रकाश पाइबो 10 तारिख रे मु काहि के प्रार्थी हेली सभा हेबो 11 तारिख सकाळ 8टा रु दिन 2टा जाय हेबो वोट ग्रहण दिन 2टा परे वोट गणति एवं परे फलाफल घोषणा अक्टूबर 12 तारीख रे विजयी प्रार्थी को शपथ ग्रहण कार्यक्रम हेबो गोष्ठी विवादर करुण परिणति कटक जिला बांकी सुवर्णपुर पंचायत घोड़ावार गांव में बोमामाड़ दुई मृत जड़े गुरुतर विस्फोरण में भुशुड़ी पड़ी कोठघर दुई मृतक हेले मानस नायक और पवित्र नायक गुरुतर आहत को बांकी उपखंड डाक्तरखाना भर्ती करा गतकाली संध्यारे घोड़ापुर गां कोठ घरे मानस पवित्रों सहित आउ किछि लोक तास खेलुथिले हठात घर उपरकु केही दुर्वृत्त करिथिले बोमामाड़ विस्फोरण रे तीव्रता एते थिला जे कोठ घर संपूर्ण भुसुड़ी पड़ीथिला आउ तास खेलुथिबा लोके ता भितरे चापी होई रही जाइथिले गां लोके दुई जणकु उद्धार करि 108 आम्बुलांस जोगे बांकी उपखंड डाक्तरखाना को आनिथिले सेठारे मानस नायकंकर मृत्यु होइथिला छात तळे चापी होई रही जाइथिले पवित्र बांकी थाना उसरंडा फांडी पुलिस पहुंची तदंत चलाइछे कोठ घर छातकु आसिले पेसेंट जन हूँ मानस नायक आउ जन हूँ परमानंद नायक तक आसिया पूर्व मानस नायक अलरेडी डेथ हो जाए परमानंद मान कंडीशन गुरुतर ना कि खंडिया का प्राइज कहूँ बर्तमान कौन देखे प्राथमिक स्तर में ट्रीटमेंट ना प्राइमरी सी मैंने चार दिन तक ड्रेसींग चली सब प्रकार मानते मैंने क्रिटिकल कंडीशन नहाँ भल अच्छा बर्तन जी गोड़ पजा आम गंडगोल से छका पता है सब रही तेना सब बस कास बास करते तेणु मुझे कहते बसता मुझे खाए मुझे गोटे गुंडा खाई देख ला बम फुटला जी बम फुटला बम फुटला बम फुटला भितर से घर पूरा ब्लास्टिंग दि चार जन को चापी दुई जन बाहर कर बाकी घर भितर केत जन अच्छा कि तीन जन अच्छी तेणु मुझे पलि आस ब्रह्म विभ्राट रिपोर्ट को नहीं विवाद सरुनी आरंभ ए मामलें तदंतर निरपेक्षता को नहीं प्रश्न उठाइबा विरोधी एवं रिपोर्ट गोपनीय रखा निष्पत्ति कर समालोचना रिपोर्ट सार्वजनीन न करने श्रीमंदिर प्रशासन निष्पत्ति चैलेंज कर आईन आश्रय ने धमक देती बीजेपी निष्पत्ति दुर्भाग्यजनक अभिहित कर कंग्रेस सत लुचाइवा चेष्टा कर श्रीमंदिर प्रशासन बीजेडी जवाब ब्रह्म विभ्राट प्रसंग श्रीमंदिर प्रशासन कमिटी निष्पत्ति सरकार कौन भूमिका ना सार्वजनीन हेबनी ब्रह्म विभ्राट रिपोर्ट श्रीमंदिर परिचालना कमिटी बैठक रे ए निष्पत्ति परे सरकार को घेरी विरोधी बीजेपी अभियोग करिछि जे महाप्रभु ब्रह्म संस्थापन रे जो विभ्राट होता काले पदार पड़ तेणु सुचिंतित भावे रिपोर्ट को गोपन रखा जाइछि श्रीमंदिर प्रशासन ए निष्पत्ति जनस्वार्थ विरोधी और सूचना अधिकार आईन उल्लंघन आरंभ ए रिपोर्ट को लुचाइवा चेष्टा करुथिले राज्य सरकार बीजेपी यहा विरोध में आईन आश्रय नेब बोली कांग्रेस ब्रह्म विभ्राट को नहीं राज्य में आलोड़न सृष्टि होगापर सरकार यार प्रशासनिक तदंत कर विलंबरे रिपोर्ट आसला तेणु रिपोर्ट में कौन रही राज्यवासी जानिबार अधिकार अच्छी कहते विरोधी दल नेता असंवैधानिक एवं व्यभिचारी निष्पत्ति विरुद्ध आम कोर्ट को जीवु अदालत आश्रय नबु एवं स्पष्ट भाव कही रखु जे ये निष्पत्ति केवल संविधान रो मौलिक अधिकार को विरोध करूना यहाँ हूँ सूचना अधिकार आईन रो मध्य परिसर भुक्त नुहे आईन को तर्जमा कर जन जदि कह दैट इज ए सिक्रेट डॉक्यूमेंट ताहले जाइकरी इनफॉर्मेशन देबे नहीं नहले इनफॉर्मेशन देबा पे बाध्य से कमिटी जहाँ निष्पत्ति नु उभय बीजेपी और कांग्रेस अभियोग को खंडन करिछि बीजेडी
ଦଳ କହିଛି ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ ହେବ କି ନା ତାହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର କ୍ଷମତା ପରିସରଭୁକ୍ତ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସେଥିରେ କିଛି ବି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦୈନିକ ଯାହା ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସେ ସେ କହିଚାଲନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃ ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ସମ୍ମାନୀୟ ଗଜପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ସେଥିରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ବା ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ, ତେଣୁ ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରିସରଭୁକ୍ତ। ଆରମ୍ଭରୁ ଏଯାଏଁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ତଦନ୍ତରେ ମନ୍ଥରତା ଓ ନିରପେକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ତମ୍ବିତୋଫାନ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଇଥିଲେ ବିରୋଧୀ। ଏବେ ରିପୋର୍ଟକୁ ଗୋପନୀୟ ରଖାଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ବହିଛି ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ଜେନା, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଅଭିଜିତ ଆୟାରଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଛି ଅଡୁଆ। ଆସନ୍ତା ମାସ 11 ତାରିଖରେ ଅଭିଜିତଙ୍କୁ ବିଧାନସଭା ଗୃହ କମିଟି ଆଗରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହାଜର ହେବାକୁ ଜାରି ହେବ ସମନ। ଶୁକ୍ରବାର ବିଧାନସଭା ଗୃହ କମିଟି ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଜିତ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅରୁଚିକର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ନେଇ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରିଥିବା ଦୁଇଟି ଛାପା ଓ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାକ୍ଷାତକାର ସିଡି ଓ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କମିଟି ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ଅନୁଧ୍ୟାନରୁ ଅଭିଜିତ ଆୟାର ଅଶାଳୀନ ଓ ଅରୁଚିକର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା ନେଇ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଗୃହ କମିଟି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଜିତଙ୍କୁ ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବ। ଏଥିପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର 11 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11 ବେଳେ ବିଧାନସଭା 54 ନମ୍ବର ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଗୃହ କମିଟି ଆଗରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗୃହ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। କମିଟି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର କିମ୍ବା ଗୃହର ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। କମିଟି ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ନୋଟିସ୍ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ସେ 11/10/2018 ଦିନ 11 ବେଳେ ବିଧାନସଭାର 54 ନମ୍ବର କୋଠରୀରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ।